हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवीएस क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, एनिमल की क्लासिफिकेशन उनकी जो रहने की प्लेस के अकॉर्डिंग। जो एनिमल है अलग अलग प्लेस पे रहते हैं, कुछ वाटर में, कुछ पानी में, कुछ दोनों में, कुछ एयर में एनिमल्स भी रहते हैं। तो ये सारे एनिमल्स में के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली है हमारा टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उसको बोलेंगे टेरिस्ट्रियल एनिमल। तो इनकी जो बॉडी है वो क्या रहेगी, डेवलप्ड होगी। उनके सेंस ऑर्गन क्या होंगे, डेवलप। उनके जो पावर है सूंघने की तो वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। देयर बॉडी सूटेड फॉर लिव ऑन ग्राउंड, उनकी जो बॉडी है वो ग्राउंड के लिए सूटेड होगी। वो अपनी लेग से वॉक करेंगे, चलेंगे लेग से, एंड ब्रीथ वो लंग से करेंगे। उनके ऊपर ना थिनी फर होती है, थिक फर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है गर्मी के लिए। जब बहुत गर्मी बढ़ती है तो एनिमल्स कोल्ड प्लेसेस में कैसे रहते हैं, उनकी बॉडी की जो थिक कोट होती है, थिक फरी कोट होती है। नेक्स्ट है आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ग्राउंड पे तो रहते हैं ना, टाइम ग्राउंड और ब्रांचेस वृक्षों पे टाइम बिताते हैं, उनको बोलेंगे आर्बोरियल एनिमल्स। लाइक एपीस, मोंकीज, ये क्या है, ब्रांच पे रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, वो हैं आर्बोरियल एनिमल। इनकी ब्रॉड हिप एंड ग्रीडल सपोर्ट होती है बॉडी पर, इसी कारण वो क्या है, ब्रांचेस पे चढ़ जाते हैं। इनकी टेल्स होती है, टेल्स टू ग्रिप द ब्रांचेस, अपनी जो टेल से वो ब्रांच से ब्रांच पे चढ़ जाते हैं, पेड़ों से पेड़ पर चढ़ते जाते हैं, पेड़ों की टानियों पर। नेक्स्ट है एरियल एनिमल्स। एरियल का मतलब है जो एनिमल्स एयर में रहते हैं, एयर में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स होंगे बर्ड्स, बैट्स, ये क्या है, उड़ते हैं, इनके विंग्स होते हैं, ये फ्लाई करते हैं, हवा में रहते हैं, ये ज़्यादातर आसमान में उड़ते हैं ना। इनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ लाइट एंड होलो रहेंगी, पतली रहेंगी। इनकी बॉडी होती है शेप, वो को क्या करती है, एयर को ईजिली कट कर लेती है, इसीलिए ये जल्दी से उड़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरियल के बाद एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल्स क्या रहेंगे, ओनली पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक बोलेंगे। लाइक क्रैब, स्कॉर्पियन, फिशेस, ये सारे क्या हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है तिनी वाटर क्रिएचर्स। वाटर के अंदर वाले रहने वाले क्रिएचर, मतलब देखने में एकदम सुंदर लग रहे हैं और क्या हो, स्पेशल से हो, लाइक फिशेस, लार्वा, वॉर्म, लीचेस, ये सारे क्या हैं, वाटर के क्रिएचर्स हैं। सम फ्लाइज एंड मॉस्किटो ब्रीड अराउंड द, कुछ मक्खियां और मच्छर भी क्या हैं, पानी में रहते हैं। फिश क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन डिफरेंट काइंड। इसकी जो स्पीसीज हैं फिश की, इतनी ज़्यादा है ना फिशेज के, जैसे हो गई स्टार फिश, तो इस टाइप से बहुत सारी फिशेज होती हैं। फाइन, उनकी जो बॉडी होती है फाइन्स रहती है, उनकी टेल जो है फिशेज की वो हेल्प करती है उसको स्विम करने में, तैरने में। एलिमेंट्स इन वाटर एंड लैंड, जो एनिमल पानी में भी रहते हैं और क्या है, लैंड पे भी रहते हैं, इन एनिमल्स को बोलते हैं हम एम्फीबियन, लाइक क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग, ऐसी एग्जाम्पल है, जो पानी में भी रह लेते हैं और बिना पानी के भी रहते हैं। इनकी बॉडी के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं स्किन में, जिसकी वजह से ये पानी में भी सांस ले लेते हैं। ये अपनी सांस लंग से लेंगे, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। उसके बाद इनकी जो कैटेगरी रहेगी, ड्राई स्केली स्किन है इनकी। इनके लिम्स भी होते हैं, क्लोज एंड लिम्स भी हैं इनकी बॉडी में। ये क्या है, बहुत टाइम तक पानी के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं, ऐसे एनिमल, इन एनिमल्स को बोलेंगे एम्फीबियंस, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग रहेंगे। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द वीडियो।
थैंक यू एंड हैव अ ग्रेटफुल डे।